हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं आज की आपकी क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मैंने 3 नंबर रखे हैं, 1 2 3। आप लोग इनमें से कोई भी नंबर चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने नंबर 1 को चूज़ किया, सेलेक्ट किया, उनके लिए आज क्या आ रहा है। जिन्होंने नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए आ रहा है, ये थोड़ी दुविधा में है और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन्होंने नंबर 1 को चूज़ किया है वो कंफ्यूज हैं आज, और उनको कोई मैटर है जो वो उनको समझ नहीं आ रहा है, और वो इसलिए परेशान हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं वो। इसलिए करना तो चाहते हैं बहुत सारा काम, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हैं जो उन्होंने सोचा है। माइंड में जो भी है उनके, वो सोच रहे हैं कि काम होगा नहीं। नंबर 1 वालों, जिन्होंने नंबर 1 को चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, अभी आप लोग कंफ्यूज हैं, और आप जिस भी सिचुएशन में आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। यदि आपने कोई जॉब के लिए ट्राई किया है या इंटरव्यू दिया है तो आप उसमें भी कंफ्यूज हो। आप करना भी चाहते हो और नहीं भी करना चाहते हो जॉब, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप सोच रहे हो कि मैं करूं या ना करूं। आप इंटरव्यू देना भी चाहते हैं और नहीं भी देना चाहते हैं, आप इसमें सोच रहे हैं, आपकी ऐसे माइंड में चल रहा है। अभी आप दुविधा में हैं, आपने जो भी सोचा है इसलिए आप परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप कोई और बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें भी आप थोड़े कंफ्यूज हैं। बिजनेस भी आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये बिज़नेस करें या ना करें। आपको ऐसे ही दुविधा सी हो रही है कि इसमें मुझे बेनिफिट होगा या लॉस होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप थोड़ी दुविधा से में हैं जिन्होंने नंबर 1 को चूज़ किया, सेलेक्ट किया है। आज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम सी महसूस हो रही है, समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कंफ्यूज हैं कि बाहर जाएं या ना जाएं। आप कोई भी मैटर हो, आप उसमें आज थोड़ा अपने आप को कंफ्यूज ही समझ रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या कोई फैमिली में आपकी ऐसी कोई बात हो और आपकी फैमिली आपको समझ ना रही हो, और आपको भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे वो प्रॉब्लम सोल्व होगी, इसलिए आप इस वजह से कंफ्यूज हो। फैमिली में या कोई इश्यू, कोई मैटर हो ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा या उनको नहीं समझ में आ रहा, इसलिए आप थोड़ा ये कंफ्यूज हो और आप इसलिए थोड़े प्रॉब्लम में हो और मुश्किल सा लग रहा है अभी आपको, इसलिए आप सोच रहे हो कि अब क्या करें, आपको इसलिए परेशानी हो रही है। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया है, सिलेक्ट किया, उनके लिए क्या आ रहा है। जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया, सिलेक्ट किया है, अभी ये परेशान है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने जो काम की करना था या करने की सोच रहे हैं, अभी इनको वो समझ में नहीं आ रहा है, और जो भी काम इन्होंने सोचा है अभी वो आपका काम होने ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं होगा वो आपका काम। हो सकता है कुछ टाइम बाद हो जाए, पर अभी वो आपने जो भी प्लान बनाया या सोचा है वो अभी नहीं होगा। जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया, सेलेक्ट किया है,
अभी आपको इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी। आपको इसलिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी आपका काम होने के कोई ज़्यादा आसार नहीं नज़र आ रहे, ऐसे लग नहीं रहा है कि अभी होगा वो आपका काम। अभी उसमें समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। यदि आपने कोई जॉब के लिए ट्राई किया है या जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो अभी वो आपका काम नहीं होगा, और अब यदि आपने कोई बिज़नेस के लिए भी सोचा है कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने का तो अभी नहीं आप वो स्टार्ट कर पाएंगे, अभी आपको उसमें प्रॉब्लम आएंगी तो अभी आप वो बिज़नेस भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। तो जो भी आपने सोचा है अभी वो आपका काम नहीं हो पाएगा, अभी तो कुछ टाइम बाद शायद हो जाए जो भी आपने सोचा है। अगर आप इंटरव्यू भी कुछ टाइम बाद देते हो तो शायद वो अच्छा हो जाए, लेकिन आज तो कुछ खास नहीं आ रहा है आपके लिए। जो नंबर 2 को सेलेक्ट किया, चूज़ किया है, आज आप थोड़े परेशानी में, प्रॉब्लम में रहेंगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी लोग आपको इतना साथ नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग जिन की आपको उम्मीद थी कि वो आपका साथ निभाएंगे, बट वो आज आपका साथ इतना नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भी आप थोड़े इसलिए आप कंफ्यूज भी हो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, इसलिए आप थोड़े परेशान हो जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया, सेलेक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने नंबर 3 को चूज़ किया, सेलेक्ट किया, उनके लिए क्या आ रहा है, क्या एनर्जी आ रही है उनकी जिन्होंने नंबर 3 को चूज़ किया है। जिन्होंने नंबर 3 को चूज़ किया, सेलेक्ट किया है, इनके तो कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम आ रहे हैं, हेल्थ इशू ज़्यादा आ रहा है इनका। कुछ टाइम से ये बीमार हों या थोड़े बीमार हों और हेल्थ के इशू ज़्यादा आ रहे हैं, और आप हो सकता है बहुत पहले आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया हो, काम किया हो, इसकी वजह से आपकी सेहत थोड़ी डाउन हो गई हो और आप में कमज़ोरी महसूस हो रही हो, और ऐसा लग रहा हो कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया, वर्क किया, आपने बहुत ज़्यादा ही उस पर मेहनत लगाई, आपने बहुत ही काम किया और आप थक गए और आपको आज थकान सी महसूस हो रही है, और हो सकता है आपको पहले थोड़ी प्रॉब्लम रही हो, कुछ आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो, मतलब थोड़ी बीमारी की वजह से, हो सकता है आप पहले थोड़ी बीमार भी हों, आपकी सेहत ठीक ना हो, स्वास्थ्य है आपका ऐसा लग रहा होगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, इस वजह से आप थोड़े परेशान हो, तो आपका सेहत का ज़्यादा इसमें इश्यू आ रहा है, आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन चल रही है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए हेल्थ के लिए। हो सकता है आपकी फैमिली में भी थोड़े हेल्थ के प्रॉब्लम हो, या किसी का हेल्थ की प्रॉब्लम हो, थोड़ी हो, ऐसे हेल्थ के इशू ज़्यादा आ रहे हैं आपके आज, हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, अपनी स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें आज आप लोग जिन्होंने नंबर 3 को चूज़ किया, सेलेक्ट किया है। और यदि आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करके सिर्फ जॉब पे लगे हुए हो, या आप इग्नोर कर रहे हो अपनी सेहत को और आप सोच रहे हो नहीं मुझे तो बस जॉब करनी है या कोई काम है या वर्क है जो कोई मुझे करना ही करना है, सेहत तो आप इग्नोर कर रहे हैं सेहत की ओर, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी सेहत पर पूरा ही ध्यान देना चाहिए। सेहत के लिए आपको अच्छे से खाना पीना जो भी है अच्छा आपको वो काम करना चाहिए जिससे आपकी सेहत ठीक रहे।
आप स्वस्थ रहें तो आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिन्होंने नंबर 3 को चूज़ किया, सेलेक्ट किया आज सेहत के लिए, आपका दिन ऐसा ही आ रहा है, सबको सेहत के लिए ज़्यादा अपना ध्यान देना होगा। जिन भी लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया, सेलेक्ट किया है, सेहत की ओर आप अपना ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, या आपका जो भी कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई भी, तो उसके लिए आप हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।